नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, इससे मध्यम वर्ग से लेकर निम्न वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको काफ़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जेब ढीली होती हुई नजर आ रही है। बिहार में इधर पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं जो बेसिक अब हैं खाने की चीज़, जो चावल है, गेहूँ है, इन सब के दाम भी अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों के जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। जी हम आपको बता दें कि रफ्तार तेज हो गई है महंगाई की। खुदरा से लेकर थोक तक मंडी का जो है सरसों तेल, चावल के बाद अब आटे और चीनी की में भी तेजी से दर्ज की गई है, जो दाम बढ़ते जा रहे हैं। आटा 2 रुपये प्रति किलो महंगा हो गया है, जबकि चीनी 1 रुपये प्रति तल्क हो गया है। आटा का भाव पहले 26 रुपये था, जो कि अब 28 रुपये प्रति किलो हो गया है। आपको बता दें कि राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो लगातार आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। डीजल की कीमत 103 रुपये के पार पहुंच गए हैं, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमत 111 रुपये के पार पहुंचे हुए हैं। पटना में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमशः 109 रुपये 55 पैसे हैं और 101 रुपये 43 पैसे हैं। इसी के साथ पटना से दूर के जिलों यानी कि बक्सर, गोपालगंज, बेतिया, पूर्णिया जैसे जिलों में कीमतें जो हैं वो सबसे अधिक है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि बिहार के खुदरा विक्रेता महासचिव जो हैं रमेश तलरेजा, उनका कहना है कि गेहूं का मूल्य 4 रुपये प्रति किलो बढ़ा है, इस कारण आटे की कीमत में तेजी दिखाई गई है। गेहूं का मूल्य 2 से 4 रुपये प्रति किलो तक बढ़ा है। साधारण किस्म का गेहूं 2 रुपये महंगा हुआ है, और इसी के साथ जो है 23 रुपये प्रति किलो गेहूं के दाम जो है वो हो गए हैं। हम आपको बता दें कि तलरेजा ने बताया है कि चीनी का भाव भी अब 1 रुपये बढ़ गया है, ये अब 44 से बढ़कर 45 किलो ग्राम जो है वो हो गया है। पिछले सप्ताह में 4 रुपये महंगा होकर चावल का न्यूनतम भाव जो है वो 30 रुपये और अधिकतम भाव 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था। इसके साथ ही 5 रुपये महंगा होकर सरसों तेल का न्यूनतम भाव 195 रुपये प्रति लीटर हो गया था। अधिकतम भाव 210 रुपये पर स्थिर बना हुआ था। तो बिहार में ब्रेड कंपनी ने भी कीमतें बढ़ा दी है। ये कीमतें अब 24 अक्टूबर से लागू करने की बात कही जा रही है। ब्रेड की कीमतों में 2 से 5 रुपये तक का इजाफा हुआ है। तो इस तरीके से जहां बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ अब जो बेसिक खाने की चीज़ है, चीनी, आटा, चावल, इनके दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जो गरीब परिवार के लोग हैं उनसे लेकर जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन सब के जेब पे काफ़ी इसका असर पड़ने को देखने को मिल रहा है, और लोग इसमें काफ़ी इन्हें संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इस पे अब सरकार किस तरीके से लगाम लगा सकती है या नहीं, या सरकार के कंट्रोल में ये महंगाई है या नहीं, इस पे ये बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।